दिस इज व्हाट. अच्छा तो अभी हम आए हुए हैं, ये है कॉटन फैक्ट्री और पीछे ये ऑफिसेज हैं सारे और बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं. ये लॉन है और ये बच्चे अभी पिक्चर कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं. तो ये पूरा जो सीन है फैक्ट्री का सीन है, ये देखें. तो आगे चलते हैं और कुछ नज़ारा देखते हैं, फैक्ट्री के अंदर चलते हैं, देखते हैं और क्या है, कैसे है, मशीनें कैसे चल रही हैं. और ये पूरा जो है कॉटन फैक्ट्री है, बहुत ही बढ़िया फैक्ट्री है, बढ़िया फैक्ट्री. तो ये पीछे हैं ऑफिसेस और हम अभी आगे जा रहे हैं. तो ये है ईद का 1, 2, 3 थर्ड फोर्थ डे. सो गाइस लेट्स गो, अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा फैक्ट्री, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर. और ये है SK कॉटन फैक्ट्री और यहाँ से जो है इसका प्रोसेस शुरू होता है. ये कुछ मशीनरी जो है इसके बाहर है और इसके जो बिल्डिंग है उसके अंदर भी मशीनरी है. सो यहाँ से जो है ना प्रोसेस होता होता कॉटन जो है अंदर जाता है, फिर वहाँ पे जो आगे फर्दर प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है और फिर कॉटन को और इसके बीज को वहाँ से अलग किया जाता है. तो चलो चलो देखते हैं अंदर कैसी मशीनरी है. सो वाओ, ये देखें यार, बहुत ही बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी है. देखें तो ये बहुत जो ऊपर जो ये बड़ा पाइप है, तो यहाँ से क्रॉस होता है पूरा कॉटन जो है. तो ये कपास क्रॉस होके होके ना आगे प्रोसेस होता जाता है. ये देखें तो ये अभी फ़िलहाल जो है मशीनरी काम नहीं कर रही, मतलब काम कर रही लेकिन चल नहीं रही, क्योंकि फ़िलहाल जो है सीज़न नहीं है. तो 1-2 माह के बाद इसका काम स्टार्ट हो जाएगा और लेबर भी नहीं है, फ़िलहाल छुट्टी पे गए हुए हैं. तो फ़िलहाल ऐसे ही हम देखते हैं, विज़िट करते हैं. तो यार काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि फैक्ट्री विज़िट कर लूँ. इससे पहले जब हमने फैक्ट्री विज़िट किया था उस टाइम काम हो रहा था, मतलब अब बन रहा था. तो अभी जो है ये कंप्लीट हो चुका है और इसका काम भी चल रहा है अभी. ये देखें यहाँ से जो है ये जो मशीन चल रही है, इसमें से जो है ना कपास अलग होता है और उसकी जो बीज है वो अलग होता है. ये देखें काफ़ी लंबा प्रोसेस है और ये सारा ऑटोमेटिकली होता जाता है मशीनरी, मतलब लेबर जो है वो थोड़ा बहुत काम करते हैं और देखते हैं किस तरह से मशीनरी चल रही है वो. बाकी जो है सारा जो सिस्टम है वो खुद ब खुद होता जाता है. ये देखें काफ़ी हैवी मशीनरी है यार, मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह की मशीनरी देखी है. ये देखें ये 5, 4 ये जो नंबर लगे हुए हैं ना, तो ये हर मशीन का अपना नंबर है. तो तकरीबन 6-7 मशीनरी जो है 6 हैं आई थिंक. तो वो 6 प्रोसेस होते हैं और उससे गुजर के एंड में जाके वो चीज़ें बनती हैं. फिर वो जो इसका जो बीज है वो बोरियों में भरते हैं. ये साइड में कुछ बोरियां भी पड़ी हैं. ये देखें ये कॉटन लगा हुआ है अभी भी इसमें. ये देखें तो ये कुछ थोड़ा बहुत नीचे भी कॉटन पड़ा हुआ है. ये ऊपर जो इसका छत है बिल्कुल वो लोहे के साथ बना हुआ है. ये आई थिंक कुछ फैन वगैरह है जहाँ से हवा आती है मशीनरी के लिए, मतलब जो प्रोसेस. ये बोरियाँ हैं, इनमें बीज भरा हुआ है. ये सारी बोरियाँ हैं थोड़े बहुत, अगर सीज़न नहीं है तो फिलहाल अभी इतना ही है इसमें. सो गाइज अभी जो है ना हम आपको दिखाते हैं मशीनरी का दूसरा पार्ट. इसमें जो है जो सरसों का बीज है उसमें से जो ऑयल बनता है वो ऑयल बनाते हैं, कुकिंग ऑयल जो भी होता है. और दूसरा जो है इसमें से चारा बनता है जो भैंस और गाय खाते हैं, जिसको हम खड़ बोलते हैं. आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते होंगे. तो ये हैं किशोर कुमार साहब जो हमें विज़िट करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे कहाँ से कैसे काम होता है, किस तरह से प्रोसेस चलता है. तो इसमें जो है टोटल 8 मशीनें हैं. तो हर मशीन से प्रोसेस होता होता अगले मशीन तक जाता है, फिर दूसरे से होता, फिर तीसरे के पास, इस तरह से एंड प्रोसेस होता है. फिर वहाँ से ऑयल निकलता है और बाकी जो है दूसरा जो चारा वगैरह जो बनता है वो बनता है. तो उसके बाद एंड में ये बोरियाँ हैं तो वो भर जाते हैं. अभी हम आपको चारा दिखाते हैं. तो ये चारा है जिसको खड़ बोलते हैं. ये देखें इस तरह ग्रीन कलर का है कुछ. ये देखें फिर ये जब बन जाता है, ये पूरा गोदाम जो है अभी इसमें भरा हुआ है. तो इसको जो है ना फर्दर आगे ये बोरियां हैं इसमें फिल किया जाता है, देन उसको आगे सप्लाई किया जाता है मार्केट में. तो ये कुछ बहुत ही आला किस्म का प्रोसेस है और फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की मशीनरी देखी है कि किस तरह से कॉटन से जो है ना ये चीज़ें बनती हैं और बीच में से
तो ये देखिए मशीनरी, बहुत ही हैवी मशीनरी है यार, बहुत हैवी। ये समझ नहीं आ रहा ये कहाँ किस तरह से इन्होंने पार्ट यहाँ पे जोड़े हैं, और बहुत ही मुश्किल काम है। ये देखें, सही किशोर कुमार साहब हैं, और यहाँ पे कुछ ऑयल पड़ा हुआ है मेरे ख्याल में, जो बचा कुचा थोड़ा सा नीचे है, ये देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो गाइस बताएं कि आपको ये फैक्ट्री कैसी लगी। सो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मैं आपको और ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूं इस तरह की। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जब फैक्ट्री में काम हो रहा हो, जब सीज़न आ जाए। ये देखें अभी कपास तैयार नहीं हुआ है, तैयार है, ऑलमोस्ट तैयार है। तो फिर जब तैयार हो जाएगा, जब काम स्टार्ट होगा, तो मैं आपको और वीडियो